प्रीमियर प्रो में कैसे कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग वगैरह हम कर सकते हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कुछ भी स्किप मत करना। और आपने मूवीज में और अलग अलग वेब सीरीज में देखा होगा अलग अलग, तो वो कलर हम कॉपी भी कर सकते हैं सेम टू सेम, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ऑफकोर्स लीगल पहला स्टेप मैं आपको बताऊँ तो शूट करना होता है लाइक DSLR से करो, मोबाइल से करो, किसी से भी करो, बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है कि आप कैसे शूट करते हो, लाइक 4K है, 1080p है, तो आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम आपको सेटिंग्स रखना है जिससे कि आप एडिट कर सको और आपका PC भी हैंडल कर सके, इवन आप मोबाइल में कर रहे हो तो उसमें भी। वैसे मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो मेरी डीप वॉइस को इग्नोर करना, नहीं हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ये तो हो गया, बहुत ज़्यादा और भी हो गया है, ठीक है। अपने प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नेम पे कलर दिया है, ये वर्जन है 2019 वर्जन है, फिर बाद में स्पैम मत करना कमेंट में, तो यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक आपको फुटेज लेनी है जो कोई भी रो हो, मतलब सिंपल हो। पिक्सल्स करके एक वेबसाइट है, वहाँ से हम लोग रो फुटेज लेंगे, यहाँ से मैं कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम रो फ्लैट फुटेज यहाँ पे मैंने ले ली है, और इसमें करते हैं थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट और कलर करेक्शन के बाद करेंगे वीडियो, देखते जाना, ठीक है। यहाँ पे हम जा रहे हैं कलर्स पे, कलर करेक्शन, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो छोटे मोटे हो गया है, लाइक ये पूरा फ्लैट है, ठीक है, इसमें से मतलब इतना हुआ है, वो कर लेना है। फिर आना है कलर वेज में और यहाँ पे कंपैरिजन व्यू पे जाना है, जो आप लोग बोलते हो कि भाई कॉपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको रेफरेंस के लिए एक फ़ोटो लेना है या फिर कोई भी वीडियो भी ले सकते हो, तो इसको मैं स्केल कर देता हूँ, करना है जिस पे कॉपी करना है उस पे, इसको सिलेक्ट करके करना है। आई थिंक ये 4K फुटेज है इसमें, इसलिए लोडिंग हो रहा है के, तो ये कॉपी हो गए हैं यहाँ पे कलर्स। यहाँ पे मैं, अगर आपको ये बेसिक नहीं करना है, ठीक है, तो इसको मैं कर रहा हूँ रीसेट, और यहाँ से सिंपल ये डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है। फिर यहाँ से छोटे मोटे चेंजेस करने हैं आपको, तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ी 4K वाली फुटेज है, तो इसलिए थोड़ा लेगी भी हो रहा है। हम एक काम करते हैं, फुटेज कोई और लेते हैं और ये सेम कलर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वो 4K थी, ये अपना 1080p गरीब आईफोन वाली फुटेज है, ठीक है, आईफोन और गरीब, ठीक है। चेंज सीक्वेंस पे क्लिक करना है और ये तो ऑलरेडी मतलब अच्छा ही है, बट अब इसमें मैं एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें फ़ोटो लेकर ही मैं एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर पे जा रहा हूँ और अगेन यहाँ पे कंपैरिजन व्यू, और यहाँ से अप्लाई मैच, तो जो भी इसके कलर्स होंगे वो कॉपी हो जाएंगे। और ये फेस डिटेक्शन आपको ऑन रखना है और यहाँ पे अप्लाई देना है, तो जैसे कि देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हो गया है। फिर आपको कलर करेक्शन करना है, जो भी एडजस्टमेंट आपको करना है। और हाँ, नए प्रीमियर प्रो में तो है फैसिलिटी, ये पुराना है इसीलिए, तो उसमें राइट क्लिक करके आप सीन डिटेक्शन कर सकते हो, जिससे कि अलग अलग सीन्स वगैरह हो गए आपके वो अलग हो जाएंगे। तो ये तो एक पूरा मैंने शूट किया हुआ है, खुद का ही वीडियो है। ओके, तो ये बात हो गई डायरेक्ट ऑटोमेटिक कलर्स कॉपी करने की, आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लाइक अगर इसको मैं रीसेट दे दूं, ठीक है, और यहाँ से तो आपको इस पैनल में आना है HSL में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कलर पिक करना है, लाइक ये ग्रीन हो गया, उसके अराउंड जितना है वो सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है और मेक श्योर कि जितने भी ग्रीन कलर हैं उसको एड कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लर फाइ देना है या फिर 2 भी दे सकते हो, ठीक है, डी नॉइस भी आप 2 कर सकते हो। उसके बाद आने नीचे, इसको ऑफ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से कंपैरिजन जो व्यू है उसको बंद कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीन बड़ी कर लो अगर नहीं दिख रहा है तो। ओके, तो यहाँ से आप उसके टेम्परेचर वगैरह चेंज कर सकते हो, सेचुरेशन डाउन कर सकते हो। लाइक आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये फोकस हो रहा है, और जो हमने कलर पिक किया है उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, और कुछ भी, मतलब आपने जो सिलेक्ट किया है उसमें से आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। फिर लाइक टिंट वगैरह है तो वो भी कर सकते हो, डार्क ग्रीन हो गया, और फिर कलर वगैरह पूरा, मतलब कलर ही चेंज कर सकते हो आप इस एरिया का। लाइक आपको ब्लू करना है, ग्रीन करना है, कुछ भी, ठीक है, डाउन करना है तो डाउन भी कर सकते हो। तो ये हो गया अपना HSL। ओके, तो कलर करेक्शन में प्रीमियर प्रो में इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, बेसिक कलर करेक्शन करना है। कोई लट आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है तो यहाँ से बस उसको सिलेक्ट करना है तो लट भी हो जाएगी। और हाँ, उसके अभी गिव अवे है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, जब भी 30 के होंगे तो मैं दे दूंगा उसके लिंक, तो रेडी रहना। मेरे पास मतलब लट्स भी वगैरह भी पड़े हुए हैं बहुत सारे, ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करता, मैन्युअली अभी तो कर रहा हूँ क्योंकि अभी सीखने में मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो कंपैरिजन व्यू में जाके, लाइक जोकर है, हैरी पॉटर है, कुछ भी है, उसका कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं, बेसिक कलर करेक्शन, क्रिएटिव, HSL, और ये हाँ विगनेट भी है। तो विगनेट को जस्ट माइनस कर दो के तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यही थी कुछ बातें सिनेमैटिक को लेके। और हाँ सॉरी, एक चीज़ भूल गया मैं, इफेक्ट्स में जाना है आपको, प्रीमियर प्रो में करना है तो क्रॉप करना, और आफ्टर इफेक्ट में जाना है तो मोशन टाइल है, वहाँ पे आप 80 कर देना, शायद हो जाएगा, वैल्यूज़ मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉप पे आपको जाना है, और लेफ्ट टॉप पे 12, और यहाँ पे 12, और यहाँ से मतलब एडजस्ट भी कर सकते हो, पहले कर देना, फिर राइट क्लिक करके नेस्ट कर देना। ठीक है, अपना वहाँ पे कंपोजिशन होता है, यहाँ पे नेस्ट होता है, तो सिनेमेटिक बार भी हो गए। ठीक है, थोड़े मोटे इसमें हमने चेंजेस किए, बाद में लट्स पैक था वो भी इसमें इंक्लूड किया है, तो उसकी वजह से भी अच्छा लग रहा है, और थोड़े बहुत इसके कलर्स भी है। तो बस यही था पूरा डिटेल में वीडियो, आपको मैंने समझाया है ये प्रीमियर प्रो को लेकर, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये DM किया था, हमको चाहिए इस पे, तो मैंने बता दिया, और क्या ही कर सकते हो, मैं बना सकता हूँ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं। मेरा अभी गला ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग कुछ करने का, और कंटेंट आएगा ही आएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, 2K का लाइक कायम रखते हैं। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल को डेड मत होने देना, क्योंकि एडिट्स देखने वाले लोग ज़्यादा है, बट ट्यूटोरियल नहीं, वो आपको भी बताए, तो आपको सीखना है, देखना है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है मेरे साथ, देखेंगे सीखेंगे सब कुछ करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।